अरे चले अयो बाबा के ना देव तुम्हारी पूजा दादी तो ये पूरा उत्तर प्रदेश का ये पूरा यहाँ पे कियोस्क लगा हुआ है और काफ़ी अच्छा टैगलाइन लिखी है, यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा। एंड आई कैन सी दैट यू हैव मूव्ड इनटू द स्पेस आल्सो। या स्पेस टेक्नोलॉजी या ओनली प्रोडक्ट्स यू आर गिविंग टू द स्पेस? वी आर वर्किंग विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी हम आए हैं इंडिया एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा में। यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड शो लगा हुआ है और ये ट्रेड शो 21 सितंबर से 25 सितंबर चलेगा और इसमें अराउंड 60 कंट्रीज से अराउंड 2000 प्लस एग्जीबिटर्स आए हुए हैं। इसमें वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर बिजनेस टू बिजनेस एंड बिजनेस टू कस्टमर्स लगा हुआ है, जैसे हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट्स, एग्रीकल्चर, डिफेंस, मेडिकल, सभी तरह के यहाँ पे एग्जीबिशंस लगे हुए हैं अंदर एक्सपो मार्ट में। तो चलिए अंदर आपको दिखाते हैं कैसा है पूरा इंटरनेशनल ट्रेड शो। तो अभी हम आउटडोर में हैं, यहाँ पे फूड स्टॉल्स लगे हैं। तो यूपी के हर सिटी के यहाँ पे फूड स्टॉल्स लगा हुआ है और म्यूज़िक भी आगे चल रहा है और काफ़ी सारे इवेंट्स भी हो रहे हैं यहाँ पे। काफ़ी अच्छे से डेकोरेट भी किया हुआ है यहाँ पे। तो सामने लगा हुआ है खाने का स्टॉल, उसमें लिखा है यूपी का स्वाद चटोरी गली। और इधर इवेंट्स हो रहे हैं यहाँ पे, जितने भी यूपी के कल्चरल इवेंट्स हैं वो यहाँ पे शोकेस कर रहे हैं। मेन एंट्री है यहाँ पे और आज संडे है तो काफ़ी ज़्यादा रश है और ये फ्री शटल्स आ रही हैं पार्किंग से। फाइनली हम लोग एक्सपो मार्ट के अंदर आ गए हैं और इधर ये रजिस्ट्रेशन के लिए है फॉर बिजनेस विजिटर्स के लिए। जुबेस के लिए ये रजिस्टर करना है कि केवल बिजनेस के लिए? ओपन है। थैंक यू। तो अभी हम लोग हॉल नंबर 1 में जा रहे हैं। यहाँ पे कलर जेट की प्रिंटिंग मशीन लगी हुई है, ये 3D है, नॉर्मल वॉलपेपर कलर प्रिंटिंग करते हैं तो ये मशीन डिस्प्ले में लगी हुई है। यहाँ ट्रेड शो में टाटा का भी एग्जीबिशन लगा रखे हैं इन लोग, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का लगा रखा है, यहाँ टाटा टियागो का लगा रखा है और इधर नई नेक्सॉन ईवी आई है इसका भी इन्होंने डिस्प्ले लगा रखा है। तो नई वाली मॉडल काफ़ी अच्छा बनाया है इन्होंने अंदर से और बाहर से। बिल्ला ग्रुप में और यहाँ पे इंडिया एक्सपो मार्ट में इनका भी एग्जीबिशन लगा हुआ है और जो सामने देख सकते हैं यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल का इन्होंने स्टैचू लगाया है। तो इनका प्रोडक्ट है अल्ट्रा टेक सीमेंट राइट,
तो इन्हीं के सीमेंट से पूरा ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बनी हुई है? इसी से बनी गई है, इन्हीं के अंडर इनका ये प्रोजेक्ट था। अच्छा, बनाया गया और ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टॉलेस्ट स्टैच्यू। अच्छा, एक्चुअल में वो बना रखी कि लोग ऊपर जा सकते हैं और देख सकते हैं ऊपर से व्यू। लास्ट पॉइंट ये जाने तो पूरे यू हैव मेट्रो ऑल मेट्रो अक्रॉस कंट्री दिस इज अल्ट्रेटिक सीमेंट व्हिच इज बीइंग यूज्ड अल्ट्रेटिक सीमेंट ओनली या देन वी हैव मुंबई सन वर्ली सीलिंग व्हिच इज अगेन यूजिंग अल्ट्रेटिक सीमेंट ओके देन वी हैव ट्विन ट्रेड टावर दिस इज आल्सो वेरी लैंडमार्क प्रोजेक्ट एंड आई कैन सी दैट यू हैव मूव्ड इनटू द स्पेस आल्सो Yeah. Space technology or only products you are giving to the space? We are working with the government of India for development in NASA, with NASA. Okay. Development in the space itself. How we can do innovation and everything into space. And you are into textiles and also? So this is a journey of Aditya Birla Group. How Aditya Birla Group has been working since so many decades and years now. We are around 150 years. ये यमुना एक्सप्रेस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, तो इनके भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं ग्रेटर नोएडा में, तो जितने भी इनके प्रोजेक्ट्स हैं सब यहाँ पे डिस्प्ले कर रखे हैं इन्होंने डिजिटली। तो यहाँ पे डेमो भी बना रखा है जितने प्रोजेक्ट्स हैं इनके, ये बना रखा है। और एक और ये उधर पूरा जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो पूरा डिटेल में था, और यहाँ पे सिर्फ एयरपोर्ट का डिस्प्ले कर रखा है। तो ये पूरा एरिया जितने अंडर एयरपोर्ट के हैं, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है नोएडा में, तो ये पूरा उसका मैप बना के रखा है यहाँ पे। तो अभी इनिशियली यहाँ पे दो रनवे स्टार्ट होंगे 2025 तक, और बाकी रनवेज बाद में धीरे धीरे स्टार्ट होंगे ग्रेजुअली, तो ये दो रनवे 2025 तक रेडी हो जाएंगे। और इधर बिकानो और इधर प्रिया गोल्ड, ये भी दोनों काफ़ी बड़ी कंपनी है फूड्स की, तो इनके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं इनके ये भी डिस्प्ले कर रखे हैं और यहाँ पे सेल भी कर रहे हैं। जैसे ये लोग काफ़ी लोग चिप्स ले रहे हैं यहाँ पे, देखते हैं सैंपल में दे रहे हैं या खरीदने के लिए। और यहाँ पे पतंजलि का भी स्टोर लगा, यहाँ क्योस लगा रखा है यहाँ पे, तो जितने भी पतंजलि के इनके प्रोडक्ट्स हैं सब डिस्प्ले कर रखे हैं यहाँ पे। यहाँ पतंजलि के सैंपल्स भी दे रहे हैं टेस्ट करने के लिए भी। ये क्या चॉकलेट है पतंजलि का? अच्छा, प्रोटीन बार। ओके, आप किसी के डिस्प्ले किए हुए सर? ये सारी चीज़ें भांग से बनी हुई है सर। भांग से बनी हुई है? ये जो भांग से जो आप प्रोडक्ट्स बना रहे हैं ये मोस्टली कहाँ से भांग से आते हैं आपके, किस पार्ट से कंट्री के? इंडिया से ही आते होंगे? अच्छा, ये ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इधर ही से है। अभी हम जा रहे हैं हॉल नंबर 9 में, ये हॉल 7 विजिट कर लिया, अभी 9 में जा रहे हैं, इसके बाद हॉल नंबर 14 है। ये तीन बड़े हॉल हैं जिसमें एग्जीबिशंस लगे हुए हैं। सबसे पहला फूड स्टॉल है अलीगढ़ का स्वाद, इसमें यहाँ पे दे रहे हैं ये अलीगढ़ में, आई थिंक ये पराठे और बना रहे हैं इसको देना ये पीछे से। और इधर दूसरा है आगरा का स्वाद, यहाँ पे छोले भटूरे बना रहे हैं और पाव भाजी दे रहे हैं। थर्ड स्टॉल है मुरादाबाद का, यहाँ पे ये आई थिंक क्या दे रहे हैं, मुरादाबादी दाल है क्या? अच्छा, दाल है ये मुरादाबादी दाल। और इसके अलावा और कौन सा आइटम है मुरादाबाद? चीज़ ग्रिल सैंडविच है, दो आइटम है। ये मूंग की रहती है भैया, ये दाल मूंग की बनती है?
की दाल की है सर। अच्छा, दूसरा है जौनपुर के देसी रसोई। क्या बना रहे हो भैया जौनपुर से? थाली है क्या, वेज थाली है क्या? अच्छा, क्या क्या सब्जी कौन कौन सी है? राजमा है, छोले हैं, दाल है, पनीर है। जौनपुर में रसोई में क्या भैया? थाली है सर। थाली है। ये जैन सिकंजी, ये मोदी नगर का काफ़ी फेमस सिकंजी है, तो काफ़ी भीड़ है इधर। ये टुंडे कबाबी, ये लखनऊ का जायका है, उस पर सबसे सारा क्राउड है यहाँ पे। तो ये मटन गुलावटी कबाब, मटन गुलावटी कबाब, चिकन कोरमा, मटन कोरमा, चिकन बिरयानी, पराठे और मटन बिरयानी, इतने आइटम इनके यहाँ लगे हुए हैं। और तीसरा है अपना नोएडा का स्वाद। ये नोएडा में देखते हैं क्या क्या लगाया है उन्होंने। यहाँ पर गुजरी थाली लिखा हुआ है बाहर, जो ये नोएडा का दे रहे हैं। ये पूरी थाली है जो ये नोएडा के थाली में दे रहे हैं, गुजरी थाली। तीसरा है ये बनारस का स्वाद, इसमें दही जलेबी और दही मिर्ती। और देखते हैं इसको भैया, बनारस में और कुछ नहीं दे रहे उसके अलावा? बाटी चूका। अच्छा, कितने की प्लेट है? इधर है अवध की व्यंजन, इसमें है दाल पराठा, बेसन मूंग चिल्ला, बाजरा की रबड़ी, गुलाब खीर, अवध थाली, ये सब डिस्प्ले में भी लगा रखे हैं इन लोगों ने। ये निमोना है, इसको बोलते हैं मटर करी, और ये बेसन चीला है। बाकी इनके पास थाली भी है। तीसरा है मथुरा का स्वाद, यहाँ पे मालपुआ, मथुरे का पेड़ा, और काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे दे रहे हैं, और लस्सी और रबड़ी दोनों वो भी दे रहे हैं। तीसरा है खुर्जा की स्वाद, यहाँ पे आलू चाट, आलू टिक्की, खुर्जा की खुरचन, ये दे रहे हैं यहाँ पे। ये क्या है भैया? ये अच्छा, ये मालपुआ है। और खुरचन किसको बोलते हैं? खत्म हो गया खुरचन। तीसरा ये पंची पेठा, ये आगे काफ़ी फेमस पंची पेठा स्टोर है आगरा में, उसका यहाँ पे पेठा सेल कर रहे हैं, साथ में लस्सी भी दे रहे हैं ये। इधर ये गोरखपुर का स्वाद, यहाँ पे ये लगा रखे हैं, देखते हैं क्या है यहाँ पे। भैया ये क्या बना रहे हो? क्यों भाई, ये क्या बना रहे हो? उधर समोसे रखे हैं। ये क्या भैया, ब्रेड पकौड़ा है क्या? ये चीला, ब्रेड चीला। अच्छा, ब्रेड चीला, तो ये गोरखपुर का फेमस ब्रेड चीला दे रहे हैं ये, इसमें स्टफिंग पनीर के कर रहे हैं। इधर ये बलिया का स्वाद है, इसमें बाटी चोखा, बाटी चोखा मील भी दे रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। इंटरनेशनल ट्रेड शो का कंप्लीट वीडियो विल बी रिलीजिंग सून।